व्हाट्सएप का यूज़ तो हर कोई करता है। अभी तक व्हाट्सएप अपनी सर्विस फ्री में देता था, लेकिन अब इसे यूज़ करने वाले यूज़र्स को एक सर्विस के लिए अलग से भुगतान करना होगा। आप भी ये जानकर हैरान हो गए होंगे, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि आपको किस सर्विस के लिए पैसे देने होंगे। दरअसल ये पेमेंट चैट बैकअप के लिए देने होंगे। आप भी ये सुनकर हैरान हो गए होंगे कि आखिर बैकअप के लिए पैसे क्यों देने होंगे। व्हाट्सएप ने कुछ समय पहले बताया था कि वह बैकअप के लिए गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन अब ये फाइनल हो चुका है कि व्हाट्सएप बैकअप के लिए गूगल ड्राइव का यूज कर रहा है। व्हाट्सएप ने आखिरकार फ्री बैकअप को खत्म कर दिया है। व्हाट्सएप ने इसकी शुरुआत बीटा यूजर्स के साथ की है, हालांकि इसकी चर्चा पिछले साल से ही थी। दरअसल पहले भी गूगल ड्राइव का ही इस्तेमाल होता था, लेकिन यह बैकअप के लिए यह अनलिमिटेड था। लेकिन बैकअप के लिए स्टोरेज गूगल ड्राइव वाली ही इस्तेमाल होगी, यानी जीमेल अकाउंट के साथ मिलने वाली 15 GB स्टोरेज में ही आपको अपने गूगल फोटोज, ड्राइव और व्हाट्सएप चैट बैकअप का काम चलाना होगा। यदि आपके जीमेल अकाउंट के साथ स्टोरेज कम है और व्हाट्सएप चैट भी ज़्यादा है, तो आपको स्टोरेज के लिए पैसे देने होंगे। एक बार स्टोरेज फुल होने के बाद सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आपको गूगल का गूगल वन प्लान लेना होगा। इस प्लान की शुरुआत 130 रुपये से होगी। व्हाट्सएप को अब मेटा की ओर से इसके लिए नोटिफिकेशन भी मिल रहा है। नोटिफिकेशन में लिखा है कि अपनी चैट और मीडिया को गूगल अकाउंट की स्टोरेज में बैकअप ले। नए फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के बाद इसे आप रीस्टोर कर पाएंगे। यह नोटिफिकेशन फिलहाल एंड्रॉइड के बीटा वर्जन पर मिल रहा है। गूगल ड्राइव स्टोरेज में भी जाकर आप स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या फ्री में बैकअप को जारी रख सकते हैं? तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने बैकअप को फ्री में जारी रख सकते हैं। आपको इसके लिए गूगल ड्राइव में छोटी छोटी फाइल अपलोड करनी होगी। इसके अलावा ऐसे फोटोज और वीडियोस जिनका स्टोरेज ज़्यादा है उनको डिलीट करना होगा। जिनकी ज़रूरत आपको नहीं है ऐसे फोटोज और वीडियोस को भी आपको डिलीट करना होगा। बहुत ही आसान भाषा में समझे तो आपको अपनी गूगल ड्राइव की स्टोरेज को खाली करना होगा। इसके अलावा चैट बैकअप सिर्फ टेक्स्ट का ही ले, ना कि वीडियोस और फोटोज का। हालांकि व्हाट्सएप यूजर्स के लिए यह बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि पहले यूजर्स फ्री में ही अपनी फोटोज, वीडियोस और चैट का बैकअप रख सकते थे, लेकिन अब उसके लिए इन्हें पैसे देने होंगे।